आज जो है ना बहुत अच्छा मौसम है, बारिश है हल्की हल्की, देखो बादल है। और आज हमने प्रोग्राम बनाया है कि नाश्ता करते हैं मैकडॉनल्ड में। दो दिन पहले हमने किया था नाश्ता आई हॉप में, लेकिन फिर जब हमने उसमें नाश्ता किया मैकडॉनल्ड में उसके अगले दिन, तो मैकडॉनल्ड का नाश्ता हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी बताता चलूं कि जब भी अगर आपने कहीं नाश्ते पे जाना है तो मैकडॉनल्ड से पैनकेक का ऑर्डर दें, तो मैकडॉनल्ड का जो पैनकेक है इस सुपीरियर इन क्वालिटी देन आई हॉप। और जितने भी ये जो हलवा पूरी वगैरह है उसके लिए जब हम जाते हैं कभी कभी, एक तो वो हमसे तकरीबन कितना दूर होगा, 5 minutes? नहीं, नॉट मैकडॉनल्ड, हलवा पूरी, वो जो हम स्प्रिंगफील्ड जाते हैं, तकरीबन 30-40 मील वो हमसे दूर है। फिर जब हमने इधर नाश्ता किया मैकडॉनल्ड में, तो आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, तो कसम से मैकडॉनल्ड का नाश्ता हमें बहुत पसंद आया। तो आप लोगों को भी बताता चलूं कि जब भी नाश्ता करना हो मैकडॉनल्ड से बेहतर कोई जगह नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं और मैकडॉनल्ड तो हमारे घर से तकरीबन 1/2 mile है। अभी हम देखो अभी घर से निकलें, अभी तो ये हम ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं, अदरवाइज हम उधर होते। तो लेस देन 1 mile है हमारे घर से, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो हमें ये नहीं पता था कि इनका मैकडॉनल्ड का जो ब्रेकफास्ट है वो इतना अच्छा होगा। तो आप लोगों को भी बताता चलूं कि जब भी नाश्ता करना है हलवा पूरी वगैरह ये छोड़ें, आई हॉप वगैरह, आई हॉप कितना महंगा है, तकरीबन 10 गुना महंगा है मैकडॉनल्ड से, लेकिन उसका जो पैनकेक है there is no comparison, you cannot compare IHOP pancake with McDonald's. McDonald's ka bahut super hai aur kitna sasta hai. Agar aap IHOP jate hain nashte ke liye to takriban at least on the average $25 per person, lekin agar wo nashta aap McDonald's mein karte hain with best pancake तो वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा $6-7 का, हाँ इतना है ना। और ये बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है। ये देखिए ये मैकडॉनल्ड, एक माइल से कम है हमारे घर से, पैदल भी आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं वाकई। मैकडॉनल्ड है, अगर रावर पका से फ्रांस इंडियन कजिन, ओके सिलर फैन है, ये बहुत अच्छा मार्केट है। ये देख हम दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखो ये कॉफी बार, कॉफी बार इसमें आप बैठते हैं कॉफी वगैरह पीते हैं अंदर, कॉफी बार वो जो है ना रोबिनोज पिज़्ज़ेरिया, ये देखो रोबिनोज पिज़्ज़ेरिया। और इसके मुतालिक मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो लोग अमेरिका में रहते हैं। ये देखो सफरान इंडियन कजीन है और ईट द फ्रॉग फिटनेस, और ये एक जहाँ पे फ्रॉग वगैरह जो ना फ्राई होते हैं, बहुत सारे चाइनीज वगैरह यहाँ पे आते हैं फ्रॉग फ्रॉग खाने के लिए। तो ये अभी जो मैंने बताया रोबिनो समथिंग रोबिनो पिज़्ज़ेरिया, ये कोई मतलब है वो नहीं, फ्रेंचाइज बिजनेस नहीं है। तो तकरीबन 10 दिन पहले
जो हमारा बेटा है वो बहुत फूडी है, मतलब वो खाने वगैरह का बहुत शौकीन है, तो वो इस तरह की नई नई चीज़ें ढूंढता है। तो उसने कहा कि नहीं, इससे मुझे जो ना वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करें। तो मैंने इनको फ़ोन किया और एक जो है ना वो चीज़ पिज़्ज़ा लार्ज ऑर्डर किया। जब मैं लेने आया तो काउंटर पे चला गया, मैंने कहा कितने पैसे है, तो उन्होंने मुझसे 21 या 22 डॉलर चार्ज किए। मैंने कहा कोई ख़ास पिज़्ज़ा होगा, तो जब मैं घर लेके गया तो अल्लाह की कसम, जिस तरह ये प्लास्टिक नहीं होता, प्लास्टिक को पिघलाएं रोटी के ऊपर, इस तरह अलग पड़ा था उसका जो चीज़ है। और जो मेरा बेटा है बताया ना कि वो तो बहुत फूडी है, तो उसने भी नहीं खाया। अच्छा, फिर जो है ना, तो मेरे कहने का मकसद है, यहाँ पे अगर प्राइवेट बिजनेसेस है, फ्रेंचाइज बिजनेस नहीं है, जिस तरह पिज़्ज़ा हट है या मैकडॉनल्ड है, तो वो चीज़ आपको 10 गुना महंगा पड़ेगा और क्वालिटी भी उसकी जो ना वो जो फ्रेंचाइज बिजनेस है उसकी तरह नहीं होगी। मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे अमेरिका में स्पेशली फूड या जो भी स्टोर हो, डिपार्टमेंटल स्टोर हो, क्लादिंग या जो मेकअप वगैरह, तो अगर आप जाते हैं फ्रेंचाइज स्टोर्स में, जिस तरह ये है मतलब मेसी, जैसे पीनी और ये बड़े जो स्टोर हैं, तो जो चीज़ आपको वहाँ पे $5 में मिलेगी, तो अगर आप किसी प्राइवेट स्टोर में जाते हैं वही चीज़ आपको $50 में मिलेगी। तो मेरे बेटे ने वो पिज़्ज़ा नहीं खाया जो मैंने 21 या 22 डॉलर का लिया था। फिर जो है ना मैकडॉनल्ड भी हमारे घर के, अभी तो ये हम लेफ्ट साइड पे हैं, हमारा राइट साइड पे जो है ना वो डोमिनोज है, तकरीबन एक मील वो भी है। तो उधर से मैंने चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया $6 का, और उसकी क्वालिटी इस पिज़्ज़े से बहुत बहुत बेहतर थी। मेरे कहने का मकसद, अभी जो फूड यहाँ पे हम खाते हैं मैकडॉनल्ड में, अभी यहाँ पे और भी स्टोर्स हैं प्राइवेट, फ्रेंचाइज नहीं है, तो उसमें आप चले जाएं, ये खुराक जो आपको यहाँ पे $5 का मिलता है मैकडॉनल्ड में, वही खुराक आपको $25 का मिलेगा, लेकिन क्वालिटी इस तरह की नहीं होगी। मेरे कहने का मकसद, जब भी जाओ शॉपिंग के लिए, फ्रेंचाइज बिजनेस, फ्रेंचाइज बिजनेस वो होता है जिसके जो है ना वो हज़ारों मिलियन स्टोर्स हो, वो फ्रेंचाइज होता है, वो कंपनी। ये मैकडॉनल्ड जो है ना ये बड़ी कंपनी है फूड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस तरह मैकडॉनल्ड है, ये टैको बिल्स है, इस तरह चिक फिले है, तो क्लादिज और शूज़ वगैरह के लिए मेसी, जैसे पिनी, तो इंडिया पाकिस्तान में भी अगर इस तरह फ्रेंचाइज बिजनेस हैं तो उधर जाया करें। ये मत डरें कि उनके जो ना बड़े बड़े बिल्डिंग हैं ये वो, उस पे जो चीज़ आपको $5 की मिलेगी किसी प्राइवेट गली के स्टोर से, वही चीज़ आपको इन्फीरियर क्वालिटी में 25-20-25 डॉलर की मिलेगी। तो ये एक टिप था जो हम आपको देना चाहता था उससे को। ये देखो इनके जो लंच की मेन्यू है वो ये है, ब्रेकफास्ट की देखे वो जो टॉप पे है वो है, यहाँ पे आपने ऑर्डर देना है। Hi, welcome to McDonald's. How can I help you? कुछ जगहों पे जो है ना आप अंदर डाइनिंग इन अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जो है ना जो ये सेंसिटिव एरियाज हैं, ये लोग बहुत डरते हैं इन चीज़ों से, तो यहाँ पे डाइनिंग इन मतलब आप अंदर नहीं जा सकते, तो आपने इधर से लेके किसी पार्क वगैरह में बैठना है या बाहर बैठना है खाना है, तो ड्राई थ्रू है, आप ऑर्डर करते हैं इधर जो ना पैसे दे। हाय, मीडियम कॉफी, ये any idea when you can open the dining in? What? The inside dining? Possibly July 1st. Oh, July 1st? Yeah, because we were
us there in Porceville the other day, and the dining in Porceville. Porceville. Yeah, so the dining in is allowed in McDonald's there. McDonald's that the dining is open. Yeah. Not this one. Yeah, so hopefully, yeah. There's a few that aren't open. Yeah, yeah. Even the neighbor, the Taco Bell, they opened the dining. Yeah, they've been open a long time. Yep. Okay. So, udhar jo na aap paise dete hain, idhar se phir pick karte hain. Thank you. काफ़ी मैकडॉनल्ड अच्छी बनाती है. बनाती बताइए उर्दू की. उर्दू क्या तो बनाती है. हाँ शर्म से हुआ है. ये देखें, ये मैकडॉनल्ड की कॉफ़ी है. ये तकरीबन मिलता है $1 या $1.5 का. इस तरह की कॉफ़ी अगर आप उसमें जाएं स्टारबक्स में, तो वो तकरीबन $5 की मिलती है. मैकडॉनल्ड में आप कॉफ़ी ऑर्डर करेंगे, वो बना के देगा. आप कहेंगे इतनी चीनी, इतना दूध वगैरह. स्टारबक्स में आप जाएंगे, आपको ब्लैक कॉफ़ी देगा, वहाँ पे आपने खुद डालना है चीज़ें. मतलब वो यहाँ पे वो सर्विस नहीं है बनाने की. एक तो ये बात. फिर इसकी जो क्वालिटी है मैकडॉनल्ड की, तो ये उससे अच्छी मुझे अच्छी इसलिए लगती है कि मैकडॉनल्ड जो है ना, वो कॉफ़ी प्लेस नहीं है, वो फूड प्लेस है. तो जब आप कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, तो वो फ्रेश आपको बना के देते हैं मैकडॉनल्ड वाले. और स्टारबक्स तो है ही कॉफ़ी की जगह, तो वहाँ पे बड़े बड़े जो ना वो कंटेनर होते हैं, जिसमें 4-5 घंटे जो ना कॉफ़ी पड़ी रहती है, बड़े बड़े. और जब वो एम्प्टी होते हैं, फिर वो उसमें ओवर डालते हैं. तो मैकडॉनल्ड की कॉफ़ी फ्रेश भी होती है और सस्ती भी है. तकरीबन बहुत सस्ती है स्टारबक्स के मुकाबले. बस ये चीज़ आपको बता रहे थे टिप्स, फूड और ट्रेवल टिप्स. आज की जो वीडियो है, और आज जो है ना हम वो कर रहे हैं, बारबेक्यू बना रहे हैं. तो उसके लिए अभी हम जा रहे हैं. चिकन वगैरह हमने लिया है, और जब वो बनाएंगे उसकी वीडियो भी अपलोड करेंगे. मैंने उसको बताया है बिप्स को कि उसमें कमेंट्री इसने करनी है. मैं बनाऊंगा कमेंट्री इसने करनी है. तो थोड़ा थोड़ा इसको मैंने इनक्रेज करना है, क्योंकि मैं तो हमेशा इसके पास नहीं हूँगा कि मैं बोलता रहूँगा और ये बनाती रहूँगा. तो अभी मेरी कोशिश है. अभी मैं दो चीज़ों पर काम कर रहा हूँ आजकल छुट्टियों. एक तो ये इसकी जो गाड़ी है, तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिक वॉशिंग होती है, ऑटोमेटिक. आप जो ना गाड़ी में बैठे होते हैं, आप अंदर जाते हैं, वहाँ पे मशीनें होती हैं, रबड़ वगैरह
वो उस पर फॉर्म और पानी शानी मार देते हैं, लेकिन उससे जो ना गाड़ी की वो नहीं होती सफाई। फिर यहाँ पे हैंड वॉश तकरीबन 7 दिन से 1 हफ्ते से मैं ट्राई कर रहा हूँ हैंड वॉश के लिए अपॉइंटमेंट लेने की, लेकिन हमें मिल नहीं रहा हैंड वॉश के लिए। आज जो है ना बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा खुद क्यों ना करूँ, और 10 मिनट में मैंने इस गाड़ी की हैंड वॉश की। जितने भी इस पे स्टैन वगैरह लगे थे टार स्टैन तो वो सब रिमूव कर दिए 10 मिनट में। यहाँ पे जो नॉर्मल वॉशिंग होती है गाड़ी की मशीन के ज़रिए वो तकरीबन $10-12, लेकिन हैंड वॉश के लिए कम से कम आपने उनको $100 देने हैं, और उसके लिए आपने अपॉइंटमेंट बनानी, मतलब इस तरह हर वक्त जो ना अवेलेबल नहीं होता, तो आपने उसके लिए वेट करना है अपॉइंटमेंट बनानी। तो 1 हफ्ते से मुझे नहीं मिली अपॉइंटमेंट, तो कहने का मकसद ये दूसरा टिप है, अगर बारिश हो रही हो तो आपने क्या लेना है, आपने इसका जो वो है फोम और वैक्स कंबाइन आता है एक बॉटल में, वो थोड़ा सा जो ना पानी में डाल के एक बाल्टी में, और बारिश तो हो रही है तो उससे जो ना वो इफ़ेक्ट भी होता है क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी गीली होती है, तो उस पर उसके ऊपर मल लें और फिर बस छोड़ लें, उसके ऊपर मल के छोड़ दें, बारिश खुद ब खुद जो ना उसको रिमूव कर लेगी वो सोप और उसको। तो ये अभी आप देख सकते हैं इस पर कितने बीड्स बने हैं पानी के, ये बानट पे, क्योंकि इस पर अभी वैक्स लगा है, वैक्स। तो वैक्स जो है ना ये गाड़ी की पेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर वैक्स ना हो तो उसकी जो वियर एंड टियर है पेंट्स की वो बढ़ जाती है, और पेंट जो है ना वो हो जाता है फेड अवे, फेड अवे।